हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह के मिठाई के बॉक्स तो हम सभी के घर में होते हैं। कोई ना कोई हमारे घर में मिठाई लाता है या हम खरीद के लाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी मिठाई ख़त्म हो जाती है तो इस बॉक्स को फेंक देते हैं। तो इसी का एक बढ़िया हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा मेरे पास ये एक लड्डू का ट्रे भी था जो बॉक्स के अंदर आया हुआ था, उसे भी मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद आपको कोई भी गिफ्ट रैप पेपर ले लेना है या आपको कोई भी स्टेशनरी में मिल जाता है। मेरे पास तो ये किसी गिफ्ट में रैप करके आया था तो मैंने उसे निकाल के रखा था। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स पे अच्छे से ये गिफ्ट रैप पेपर फेविकॉल की हेल्प से चिपका देना है। और यहाँ पे मैंने चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद जो लड्डू वाला ट्रे था वो मैंने इसमें रख दिया। और ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप चाहे तो इसमें कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसका यूज़ ईयरिंग्स रखने के लिए किया है। जैसे मैंने ईयरिंग्स पहले एक डिब्बे में रखा था तो वो एक साथ मिल जाती थी और टाइम पे मिलती नहीं थी। और मैंने इसे अब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो जब ये अच्छे से दिख भी रही है और टाइम पे मुझे जो ईयरिंग्स चाहिए वो मिल भी जाएगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा मिठाई वाले बॉक्स का आइडिया पसंद आया हो। अगर आइडिया पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह के ब्रेसलेट के बारे में है जिसमें इस तरह की हुक होती है। इस तरह के ब्रेसलेट को जब हम पहनने जाते हैं और जब हुक लगाने की बारी आती हो तो इसकी चैन ना लगाते समय गिर जाती है और तब हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी के लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे बिल्कुल एक सेकंड में आप किसी भी ब्रेसलेट को लॉक कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक यू पिन ले लेनी है और यू पिन को ब्रेसलेट की चैन में डाल देना है और उसके बाद अपने हाथों में इस तरह से फंसा देना है। और इसके बाद अगर आप ब्रेसलेट की हुक लगाओगे तो बिल्कुल वो सेकंडों में इस चैन के अंदर चले जाएगी, बहुत ही इजीली आपका ब्रेसलेट लॉक हो जाएगा। आप इस ट्रिक की वजह से कितना भी आपको ब्रेसलेट लूज़ करना हो या टाइट करना हो बहुत ही इजीली कर पाओगे। ना आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको टाइम लगेगा। और इसके अलावा जब ये ब्रेसलेट हमें रिमूव करना होता है तब भी सेम दिक्कत आती है, ये लॉक निकालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो तब भी आप ये सेम हैक ट्राई कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रेसलेट की जो चेन होती है उसमें ये हुक डाल देनी है और अपने हाथ से पकड़ लेनी है और उसके बाद अगर आप ये लॉक निकालोगे तो ये लॉक आराम से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा यूपिन और ब्रेसलेट वाला हैक कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। हम सभी के घर में ही इस तरह की बोतल यूज़ होती है पानी पीने के लिए या पानी रखने के लिए, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम इसे अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, नॉर्मल पानी से सिर्फ धो के रख देते हैं, तो इसमें से ना एक अलग सी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है जो वॉश करने के बाद भी अच्छे से जाती नहीं। तो इसी के लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। जैसे ये मेरे पास बॉटल है और इसके अंदर का जो हिस्सा है वो हल्का सा पीला पड़ गया है, तो इसके लिए आप एक ना हैक ट्राई कर सकते हो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आपको बॉटल को वॉश करना है तो उसमें सबसे पहले राजमा के कुछ दाने डाल दीजिए। अगर आपके पास राजमा नहीं है तो आप चावल के दाने भी डाल सकते हो। और उसके बाद कोई भी डिशवॉश लिक्विड इसमें डाल दीजिए और हल्का सा पानी डाल दीजिए और उसे नॉर्मल हम जैसे शेक करते हैं वैसे हमें शेक कर लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद इस बॉटल में जो ढक्कन लगा हुआ होता है उसे भी साफ़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्क्रबर से अगर आप साफ़ करोगे तो वो जो छोटी छोटी जगह होती है उसमें नहीं घुस पाता। अगर आप किसी भी पुराने ब्रश का यूज़ करके इस बॉटल के ढक्कन को साफ़ करोगे तो वो बहुत ही अच्छे से चमक जाता है, बहुत ही अच्छे से ब्रश ना छोटे छोटे जगहों पे चला जाता है और जो छोटे छोटे जगहों पे चिकनाई लगी रहती है वो आराम से साफ़ हो जाती है। और इसके बाद आपको पानी से इस बॉटल को अच्छे से वॉश कर लेना है। कई बार बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश हमारे पास रहता नहीं इसलिए हम अंदर की चिकनाई साफ़ नहीं कर पाते, लेकिन इस प्रोसेस से आपकी बॉटल अंदर से और बाहर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगर आपकी भी बॉटल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और धोने के बाद भी स्मेल आती है तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट हैक चैन के बारे में है। हम सभी के घर में बैग तो होती है और उसमें चैन लगी होती है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बैग की किसी ना किसी चैन का जो हैंडल होता है जिससे हम चैन को खींचते हैं वो टूट जाता है। तो और फिर टूटने के बाद जब आप उस चैन को खींचोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है,
एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन को उस चैन वाले हैंडल में डाल देना है और उसके बाद आप आराम से चैन को खींचोगे तो वो आराम से ओपन भी हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये भी मेरा हैक पसंद आया हो। अगर आपके भी किसी बैग के चैन का हैंडल टूटा हुआ है तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट हैक क्लॉथ पिन के बारे में है। अक्सर आपने देखा होगा कि दोस्तों जब भी हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें सिर दर्द होता है, कई बार माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और कई बार हमारे पेट में गैस बन जाती है, तो इसी के लिए घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो और अगर आपका ज़्यादा सिर दर्द नहीं हो रहा है, कम सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी गैसेस हो रही है, तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने नाखूनों पे जो क्लॉथ पिन होती है उसे कुछ देर के लिए लगा के रख देना है और जैसे ही थोड़ा सा दर्द हो जाए आपको निकाल लेना है। उसके बाद आप खुद देखोगे आपका थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो हाथ की उंगलियां होती है उसमें कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उसे दबाने से हमारा जो दर्द है वो कम होता है, ऐसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें गोली लेने का मन नहीं करता, तब आप ये घरेलू नुस्खा ट्राई कर सकते हो। मेरा लास्ट हैक नेल पेंट के बारे में है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि नेल पेंट खरीदने के बाद कुछ दिनों बाद वो सूख जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके जो नेल पेंट है, सूखी हुई नेल पेंट हो कि कैसी भी नेल पेंट हो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, जैसे हमने खरीद की लाई है वैसी ही हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी आधी से ज़्यादा नेल पेंट सूख गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक बर्तन में पानी अच्छे से बॉईल होने देना है। जैसे पानी अच्छे से बॉईल हो जाए हमें अपनी जितनी सारी नेल पेंट है उसमें रख देनी है और कुछ 15-20 मिनट के लिए हमें उसे ऐसे ही रखने देना है। उसके बाद आप उसे यूज़ करके देखिए, वो पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये भी मेरा हैक पसंद आया हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी सभी हैक पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।